दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गुजरात में आक्रामक राजनीति की रणनीति पर चल रहे हैं। केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। सूत्रों के अनुसार बुधवार को अहमदाबाद में केजरीवाल गुजरात की जनता के लिए चौथी गारंटी का ऐलान करेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना, ये फ्रीबी है। अरविंद केजरीवाल आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल कमर कस कर तैयार हैं। अब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली में 115 फुट ऊंचा तिरंगा लहराने के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर से फ्री रेवड़ी की व्याख्या की। अब सरकारी पैसा परिवार के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा गरीब जनता के बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, अब सरकारी पैसा गरीबों के बच्चों को रोजगार दिलाने पे खर्च किया जाएगा, अब सरकारी पैसा लोगों को मुफ्त चिकित्सा दिलाने पे खर्च किया जाएगा, अब भारतवाद होगा इस देश के अंदर, परिवारवाद और दोस्तवाद को खत्म किया जाएगा। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता में भी बदलाव की चाहत दिख रही है। राजनीति के माहिर केजरीवाल तभी से सीधे पीएम मोदी के गढ़ में ही उनको चुनौती दे रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। जनता को जहां महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर रिझा रहे हैं, वहीं बार बार बीजेपी के 27 साल के शासन की मुखर आलोचना कर रहे हैं। हम दुनिया में 39 देश, अमीर देश ऐसे हैं 39, जिनके जहां पे सारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब, सबको फ्री शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। वो अमीर देश कैसे बने? वो इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। और हम कह रहे हैं हम अपने बच्चों की शिक्षा बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, पैसे लेंगे बच्चों को पढ़ाने के, ये क्या बात हुई? अब ये बात चल रही है कि सारे सरकारी अस्पताल बंद कर देने चाहिए, दवाइयों के पैसे लेने चाहिए, गरीबों से इलाज के पैसे लेने चाहिए। एक बेचारा गरीब आदमी अगर उसके घर में कोई सीरियस बीमारी हो गई, वो तो इलाज ही नहीं करा पाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में कहां घूमेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर भारतवासी को इस देश में अगर पैदा हो, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसके घर के लोगों को इलाज का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, रोजगार का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये इसको फ्रीबी और फ्री की रेवड़ियां नहीं कहना चाहिए। चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे केजरीवाल गुजरात का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बुधवार को केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचेंगे और इस बार अपनी चौथी गारंटी का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर होगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है। केजरीवाल गुजरात में 3 गारंटी का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। उनके दिए गए गारंटी में पहली 300 यूनिट मुफ्त बिजली थी, तो दूसरी गारंटी उन्होंने सभी बेरोजगारों के लिए नौकरी और 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का दिया। तीसरी गारंटी उनके आदिवासी समुदाय की बेहतरी और कानून बदलाव के लिए आई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल इस बार महिला मुद्दों पर चौथी गारंटी का ऐलान करेंगे। अहमदाबाद के उनके कार्यक्रम में माना जा रहा है कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में रहेंगी। हालांकि बीजेपी मुफ्त की इस राजनीति की कड़ी आलोचना कर रही है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं इसका। सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2015-16 में 7,374 करोड़ रुपया और 2016-17 में 9,808 करोड़ रुपया, 2017-18 में 8,042 करोड़ रुपया और 2018-19 में 11,832 करोड़ रुपया, 2019-20 में 12,670 करोड़ रुपया ये लैप्स हुआ है जो इन्होंने बजट में रखा था गरीब कल्याण योजना और दिल्ली के विकास के लिए। ये दिखाता है कि इनकी काम करने की कोई नियत नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रचार में विश्वास है। अरे फ्री वीज आप कर रहे हो, सिर्फ प्रचार के लिए कर रहे हो, केजरीवाल जी जमीन पे तो आप जीरो। हालांकि गुजरात में अभी तक बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई ही चुनाव में दिखती थी, लेकिन कम समय में ही आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी सियासी जमीन जमा ली है और अब केजरीवाल मोदी के गढ़ में ही दहाड़ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।